बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह ताला के करम, फजल, रहमत और शुक्र के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि मेरी वीडियो जो है वो कुछ दिनों से नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मुझे कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा था जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँ, दैट्स वाई। सो आज मैंने सोचा कि 2-3 दिन हो गए हैं मेरी वीडियो नहीं आई, तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाऊँ जिसमें मैं अपने सारे गैजेट्स जो है वो आपको दिखाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइज, सबसे पहले मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है मेरा आईपैड। आईपैड 8th जनरेशन का है, जिसकी रैम जो है वो 4 GB की है और जिसकी इंटरनल मेमोरी जो है वो है 64 GB की। इसमें एक खासियत है, ये सेलुलर भी है, इसमें नेटवर्क भी मतलब चल सकते हैं, सिम भी लगा सकते हैं और इसके साथ हम वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, बोथ है। ये बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, ये मुझे मूवीज़ देखने में काम आता है, वीडियो एडिटिंग करने में काम आता है, ये मुझे बहुत सारी चीज़ मैं इस पर कर सकता हूँ, नोट्स वगैरह बनाता हूँ मैं इस पर। तो नोट्स बनाने के लिए मैंने इसके साथ एक और चीज़ लाई है, वो है आई पेंसिल। आई पेंसिल मैंने लाई है, इसमें नोट्स बना सकते हैं हम, ड्राइंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं या ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा हुआ है इस पर। सबसे पहले हम ये कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें पहले ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा। ब्लूटूथ में जाने के बाद हमें यहाँ पर लिखा आएगा आई पेंसिल। तो एप्पल पेंसिल है जो है वो कनेक्ट हो गया इसके साथ, तो हमें ऑफ करेंगे। तो हम अब आ चुके हैं नोट्स में। तो नोट्स में हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे पहले मैं ये सारा कुछ जो है यहाँ पर आप करूँगा, ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये इसलिए अच्छा है, एक तो मन भी बना रहेगा और दूसरा जो है वो ड्राइंग भी कर सकते हैं। पहले हम इस पर हम जो अपने कलर्स होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा पसंद। जैसे मेरा फेवरेट रेड है, तो मैं रेड से भी इस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं वैस ऋषि। हम ये इसमें फंक्शन एक है, ये हम इरेज ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब वर्ड एक बार इरेज हो सकता है इसमें। तो जो हमारे भाई जो ड्राइंग के शौकीन हैं वो इसके साथ ड्राइंग भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने थोड़ी बहुत ड्राइंग बना दी यहाँ पे, तो हम इस पर जो है वो ड्राइंग भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर में कर रहा हूँ अभी इस पर। तो ये भी सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि इस पर हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। अब ये पहले रब करेंगे और ये नोट्स बनाने के काम आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस पर नोट्स भी बना सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन, अगर मैं कोई क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो नोट्स बनाने के काम भी आएगा। माई नेम इज ऋषि, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये मुझे पड़ा है आईपैड जो मेरा है, ये मुझे पड़ा है 50,000 का, और जो इसके साथ मैंने आई पेंसिल लाई है वो मुझे पड़ा है 8,200 रुपीज़ का। अभी उतना महंगा नहीं होगा, जब मैंने लाया था तब की बात कर रहा हूँ। ये था मेरा आईपैड और आई पेंसिल। तो उसके बाद मेरे पास जो है वो है ये लेंस मैं मोबाइल में यूज़ करता हूँ, जब मुझे जो जूमिंग का शूट या मतलब दूर की चीज़ शूट करनी हो तो मैं ये लेंस जो है वो मोबाइल में यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास है DGM की ट्राईपॉड।
ये टाइम लैप्स बनाने के काम आता है और व्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको, और टाइम लैप्स भी इससे बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत अच्छी चीज़ है, हल्का है और छोटा है। इसको मैं कभी कभी पॉकेट में मतलब कैरी कर सकता हूँ, ये बड़ा वाला ट्राईपॉड नहीं है जिसको हम मतलब कैरी नहीं कर सकते, ये छोटा ट्राईपॉड है, इसको मैं जेब में कैरी करता हूँ, तो ये टाइम लैप्स बनाने के काम आता है। मेरे दो एयरपॉड्स हैं, ये तो मैंने रिसेंटली लिया है ओप्पो, और ये है आईफोन का, ये मुझे पड़ा है 5000, रिसेंटली व्लॉग आया था इसके लिए, तो जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था तब मैंने ये लिया है, ये मुझे पड़ा है 11000, ये मुझे पड़ा है 11000, 11000 का, यस 11500 का पड़ा है ये। तो उसके बाद मेरे पास जो है वो है बोया की माइक, जो अभी DSLR में मैंने लगाई हुई है, तो आप इसको ही देख लीजिए, ये है बोया की माइक, और ये मुझे पड़ी है 3000 रुपीज़ की। इससे मैं जो व्लॉगिंग करता हूँ, जब व्लॉगिंग करता हूँ कभी कभी मुझे मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है DSLR में, तो ये यूज़ करता हूँ। मैंने शूट किया हुआ है, बहुत सारे वीडियो शूट किए हुए, लेकिन अभी अपलोड नहीं किया वो मैंने, तो धीरे धीरे मैं वो भी अपलोड करूँगा जो मैंने DSLR से शूट किया है, तो इंशाल्लाह रहमान अगर ज़िंदगी हुई तो। तो उसके बाद मेरे पास है मोटो व्लॉगिंग की कुछ गैजेट्स जो मैंने आपको दिखाए हुए हैं, उसमें से ये एक है, ये हेलमेट में हम यूज़ करते हैं, इस पर GoPro जो है वो कैरी होता है, इस पर वो फिक्स इस पर होता है, और ये हेलमेट में ऐसे होता है, तो GoPro यहाँ पे होता है, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटो व्लॉगिंग के लिए। एंड गाइज, उसके बाद मेरे पास है माइक जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर कभी कभी मैंने एक वीडियो बनाई है, शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बार बोला था मैं एक ज़ियारत की वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने वो बनाई हुई है लेकिन अभी मैंने वो अपलोड नहीं किया है, तो कभी कभी मैं मतलब जब मैंने वो वीडियो बनाई तो मुझे कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ा मतलब उसके रिगार्डिंग, तो ये माइक मुझे उस टाइम बहुत काम आई, और ये माइक आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकती है और ऑफलाइन भी कहीं भी मिल सकती है, किसी भी शॉप पे मिलेगी आपको, जो कि 300 या 400 की पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास एक लैपटॉप है लिनोवा का, ये मुझे वीडियो एडिटिंग के काम आता है, और मैं इसमें जो अपना काम होता है, मेरा पर्सनल काम होता है, वो मैं लैपटॉप से ही करता हूँ। तो गाइस, इसके अलावा मेरे पास DSLR एक, जो मैंने जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है, और एक ट्राईपॉड, वो भी DJM का है, DJM का है, जिस पे मैं DSLR कैरी करता हूँ, और उसके साथ मैं मतलब टाइम लैप्स भी बनाता हूँ या शूट करना हो वो भी कर सकता हूँ। तो गाइज़, ये थे मेरे गैजेट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा मैंने ड्रोन ऑर्डर किया हुआ है, जो कि 14 to 15 days में आ जाएगा, तो ड्रोन मुझे इसलिए ज़रूरी था कि मेरे वीडियोज़ में जो सिनेमैटिक मुझे दिखाने हैं उसके लिए मुझे ज़रूरी है ड्रोन के शॉट्स, तो इसलिए मैंने ड्रोन ऑर्डर किया है, सो इंशाल्लाह 10-15 दिन में आ जाएगा, तो आपको भी बहुत अच्छे सिनेमैटिक मिल देखने को मिलेंगे। तो गैज़, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो मेरे पास गैजेट्स थे वो सारे मैंने आपको दिखा दिए, तो अब इंशाल्लाह आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा, अब मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो में मेरा व्लॉग जो है वो ज़रूर आए।